रामनगर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आज से शुरू हो रहा G20 सम्मेलन, आपको बता दें कि रामनगर पहुंचे 29 देशों के 56 प्रतिनिधि, राउंड टेबल बैठक से होगी कार्यक्रम की शुरुआत और इस बैठक में 13 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं शामिल होंगी। विकास के तमाम मुद्दों पर मंथन होगा, तमाम पहलुओं में साझेदारी पर जोर होगा। सम्मेलन में दिखेगी उत्तराखंडी संस्कृति की झलक, साथ ही आपको बता दें कि शासन प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, सम्मेलन में उत्तराखंडी संस्कृति की झलक दिखेगी, शासन प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। रामनगर से ये जानकारी, आज से G20 सम्मेलन शुरू हो रहा है, रामनगर पहुंचे हैं 29 देशों के 56 प्रतिनिधि, तो राउंड टेबल बैठक से कार्यक्रम की शुरुआत होगी और इस बैठक में 13 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी शामिल होंगी। तो विकास के तमाम मुद्दों पर मंथन होगा, शासन प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं, तमाम पहलुओं में साझेदारी पर जोर रहेगा। सम्मेलन में उत्तराखंडी संस्कृति की जो झलक है वो भी देखने को मिलेगी, शासन प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। तो आज से G20 सम्मेलन शुरू हो रहा है रामनगर में, आपको बता दें कि रामनगर 29 देशों के 56 प्रतिनिधि पहुंचे हैं। तो आज से G20 सम्मेलन की शुरुआत होने जा रही है, विकास के तमाम मुद्दों पर आज मंथन होगा। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित बेलवाल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं रामनगर से, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अमित, अभी क्या तस्वीर देखने को मिल रही है, आज G20 सम्मेलन की शुरुआत होने जा रही है, क्या तैयारियां अभी फिलहाल देखने को मिल रही है, तस्वीर के माध्यम से जरा दिखाइए। आपको बता दें कि G20 समिट की पहली बैठक के लिए देवभूमि पूरी तरह तैयार है, विदेशी मेहमानों का स्वागत खास उत्तराखंड के कुमाऊनी अंदाज में किया जाएगा। और आपको बता दें कि जो विदेशी मेहमान है खाने में पहाड़ी व्यंजन का स्वाद भी लेंगे। आपको बता दें कि पन्नगर से ये जो कारवा है लगभग 1:30 बजे रामनगर के लिए चलेगा, 1:30 बजे एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और पूरी सुरक्षा के बीच में इनको यहाँ पर जो कार्यक्रम स्थल है ताज होटल डिपडी में लाया जाएगा, जिसके लिए प्रशासन पूरा अलर्ट है, सुरक्षा के तमाम एजेंसियां यहाँ पर लगी हुई है, 3 दिन ये कार्यक्रम यहाँ पर होना है। ये आई थी बिल्कुल, देखिए अमित, सम्मेलन में उत्तराखंडी संस्कृति की भी झलक देखने को मिलेगी, ऐसा कहा जा रहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड का यहाँ पर कल यहाँ पे एक कार्यक्रम भी होना है, जहाँ पर 45 मिनट का एक कार्यक्रम चलेगा, जिसमें पूरा उत्तराखंड की संस्कृति से इन डेलीगेट्स को रूबरू कराया जाएगा। आईसी बिल्कुल, और विकास के तमाम मुद्दों पर भी मंथन होने वाला है अमित, तो वो कौन कौन से मुद्दे रहने वाले हैं जिस पर यहाँ पर मंथन किया जाएगा? है जिसमें विज्ञान को लेकर है, पर्यटन के नए आयाम को लेकर है, प्रदूषण को लेकर है, पर्यावरण को लेकर है, कई और भी मुद्दे यहाँ पर होंगे जिस पर ये वैज्ञानिक यहाँ पर चर्चा करेंगे। आयुषी चलिए, शुक्रिया अमित तमाम जानकारी साझा करने के लिए।